हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10th। तो इसमें हम बता चुके थे आपको कि मेटलर्जी मतलब पढ़ा रहे हैं, मेटलर्जी, ठीक है, मतलब मेटल्स मतलब ओर से मेटल्स को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया था, अलग किया था, वो प्रोसेस बता रहे थे। तो हमने आपको स्मेल्टिंग तक बता दिया था, स्मेल्टिंग, ठीक है। इसके बाद होता है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, एक ही प्रोसेस है आपके में, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है, ठीक है। इस टैंक में इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, थिन इलेक्ट्रोड्स एंड थिक इलेक्ट्रोड्स, थिन एंड थिक, थिन एंड थिक। ये जो थिन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो आपके थिन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये होते हैं निगेटिव कैथोड के, मतलब कैथोड होते हैं, निगेटिव नहीं कह सकते हैं, कैथोड होते हैं, ठीक है। और प्योर मेटल के होते हैं, ये होते हैं प्योर मेटल के, ठीक है। और ये जो थिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके, थिक इलेक्ट्रोड्स, ये होते हैं एनोड, और ये इम्प्योर मेटल के होते हैं, इम्प्योर मेटल के, ठीक है। अब जो भी मैटर हमने लिए, जैसे मान लीजिए कॉपर ली है, कॉपर के ही दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे, थिक भी होगा, थिन भी होगा, थिन जो होगा प्योर कॉपर होगा, थिक होगा इम्प्योर कॉपर, दोनों कॉपर के ही होंगे। और इसमें सोल्यूशन भी भरा रहता है, सोल्यूशन भी भरा रहता है, एक्वस सॉल्यूशन भरा रहता है इसमें, थिक इलेक्ट्रोड्स को इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, थिक इलेक्ट्रोड्स को इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। तो इसमें सॉल्यूशन भी, जो भी मेटल लिए उसी मेटल का सॉल्यूशन भरा होगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस। तो ये पूरा अरेंजमेंट हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। एक टैंक होता है, एक क्या होगा टैंक, कह सकते हैं आयरन का टैंक होता है, आयरन टैंक। इसमें हम लोग जिस मेटल का हमको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है उसी मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, और उसी मेटल्स का इलेक्ट्रोलाइज, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइज यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर अपने आयंस में ब्रेक जाते हैं, जिनसे वो बने होते हैं वो वही आयंस में क्या करते हैं, ब्रेक जाते हैं, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, Cu++ SO4 माइनस माइनस, ठीक है, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। एंड एनोड, एनोड पे आपको पता होगा हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जो इम्प्योर है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कि ये इम्प्योर जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे, ठीक है। फिर एड कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर वही जो कॉपर है, जहां से जो कॉपर निकलेगा Cu++, वही कॉपर कैथोड पे सब
इफेक्ट हो जाएगा, कैथोड अपने दो इलेक्ट्रॉन देता है कॉपर सॉलिड, कैथोड पर जाके सबमिट हो जाता है, ठीक है। और यही SO4 सॉल्यूशन, जो SO4 है वो सॉल्यूशन में ही रहता है। अब इसमें जो इंप्योरिटी निकलती है वो नीचे जाके यहाँ पे, जो एनोड से इंप्योरिटी निकलती है वो नीचे जाके यहाँ पे क्या बनती है, एनोड मड, इसको हम लोग एनोड मड कहते हैं, ठीक है, एनोड मड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक इज अ प्रोसेस इन विच द मैटर विच इज प्यूरिफाइड, मैटर विच इज रिफाइंड टू यूज इट्स इलेक्ट्रोड, सच एज थिक इलेक्ट्रोड यूज एज प्योर मेटल विच एक्ट एज कैथोड, एंड थिक इलेक्ट्रोड यूज एज इम्प्योर मेटल यूज एज एनोड, एक्ट एज एनोड, एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द मेटल इज यूज फॉर द फॉलोइंग करंट इन द सोल्यूशन, ठीक है, फॉलोइंग करंट, फ्लोइंग करंट इन द सोल्यूशन, ओके। करंट को पास कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं, ठीक है। When, with the help of these electrodes, current is passed in the solution, okay, and anode oxidation occurs and electron release from anodes and copper ion obtained, which is submit to cathode, which is submit to cathode by reduction, okay, to gain two electrons and copper metal is purified by this method, okay. तो इससे हम लोगों को 99.9% क्या मिलता है, कॉपर, प्योर कॉपर मिलता है, 99.9% प्योर कॉपर मिलता है, ओके। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास हर मेटल के ओर्स होते हैं, ठीक है, कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, कुछ क्या होती है, कम रिएक्टिव होती है, कुछ क्या होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो सबका प्यूरिफिकेशन मतलब सबका हम लोग एक्सट्रैक्शन जो होते हैं डिफरेंट टाइप से करते हैं। अगर मान लो मोर रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो आसानी से इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से क्या जाती है, प्योर हो जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे उनका, ठीक है, हम सबका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। उसके लिए भी हमको मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करा देगी तो आपको प्योर मेटल मिल जाती है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स क्या होती हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जिसमें आयरन, जिंक, लेड, एल्युमिनियम एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप से डिवाइड जाते हैं, कार्बोनेट और एक क्या होता है, सल्फाइड, ठीक है। कार्बोनेट और का हम लोग कैल्सिनेशन कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, सल्फाइड का रोस्टिंग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इन दोनों से हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर उनका हम लोग रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन से हमको मेटल मिल जाते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन या एल्युमिनियम की हेल्प से। तो फिर उसके बाद हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन कराते हैं, उनको प्योर मेटल मिल जाती है। इसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल हमारे पास मरकरी और कॉपर होते हैं, मरकरी और कॉपर का एक सल्फा, दोनों के सल्फाइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं, रोस्टिंग कराई जा सकती है और रोस्टिंग से हमको ऑक्साइड मिलेंगे, ऑक्साइड का हम रिडक्शन कराएंगे, इसके बाद रिफाइनिंग कराते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस यहाँ भी यूज करते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ये चार डॉक्टर को एक बार तैयार कर लेना है, ठीक है। जो भी मेटल होगा उसका डिफरेंट टाइप से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट आप लोगों को एकदम सही से तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ और प्रोसेस है उसको भी पढ़ लेते हैं। कुछ और प्रोसेस है उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसे पूछा था एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। मिक्सचर यहां पे मिक्सचर नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और
मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। एग्जांपल जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, सोल्डर एक्सेट्रा। ठीक है, ब्रॉन्ज में जो होता है कॉपर और टिन होता है ऐसे, ब्रास में जो होता है कॉपर एंड जिंक होता है, सोल्डर में होता है पीवी प्लस एल। ठीक है, इसका मिक्सचर होता है, इनको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं एलॉय। एलॉय के बाद एक और प्रोसेस होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन 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 एक मेथड है, क्या है मेथड, प्रिवेंशन मेथड बाय प्रिवेंशन मेथड बाय कोरोजन। ओके, कोरोजन मतलब जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग को गैल्वनाइजेशन कराते हैं। इसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर कराई जा सकती है। आयरन को हम लोग ZnSO4 के सोल्यूशन में, ZnSO4 का एक सोल्यूशन होता है, इसमें डाल देते हैं आयरन शीट को, कुछ देर बाद इसमें क्या जाती है, जिंक की परत इसमें चढ़ जाती है। और क्या होता है, जिंक इसके ऊपर क्या होता है, आ जाता है, जिंक इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है गैल्वनाइजेशन। ओके, द कवरिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक इनटू आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, द कवरिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक इनटू आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। इसको हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, खत्म हो गया है, क्लोज हो गया। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा नेक्स्ट चैप्टर का होगा आपका कार्बन एनिक्स कंपाउंड का। ओके, थैंक यू।